एक बार की बात है, रामगढ़ नाम के गांव में महेश नाम का एक लड़का रहता था। उसकी एक छोटी सी पान की दुकान थी। वो कई सालों से उस गांव में पान बेचता था। महेश के हाथ के बनाए हुए पान दूर दूर तक मशहूर थे। वो रोज सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान खोल लेता और दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती। गाँव के आदमी ही नहीं बल्कि औरतें भी महेश के हाथ के पान खाया करती थी। रात को महेश अपनी दुकान बंद ही कर रहा होता है कि तभी एक आदमी आता है और बोलता है, अरे महेश भाई, जरा एक बढ़िया पान बनाकर खिलाओ। हाँ जी भैया जी, अभी खिलाते हैं। अरे वाह महेश भाई, वाह मजा आ गया। आपके हाथों के पान की बात ही कुछ और है। धन्यवाद भैया जी। फिर महेश अपनी दुकान बंद करके अपने घर जाने लगता है, पर रास्ते में उसे एक चुड़ैल पकड़ लेती है। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कोई नहीं बचा पाएगा, तुझे तो अब मरना ही होगा। चुड़ैल महेश को मारने लगती है, पर तभी महेश बेहोश हो जाता है और अगले दिन महेश की दुकान भी बंद होती है। अरे क्या बात है, आज महेश ने अपनी दुकान नहीं खोली। हाँ लगता है महेश को कुछ काम पड़ गया हो या फिर शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। अरे मतलब आज बिना पान खाए ही दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। पता नहीं अब आज का दिन कैसे निकलेगा। सब लोग दुकान पर आकर वापस चले जाते हैं। 3 दिन तक वो दुकान ऐसे ही बंद रहती है। फिर जब 3 दिन बाद वो दुकान खुलती है तो उसमें महेश की जगह एक औरत बैठी होती है। तभी 2 दोस्त वहाँ से गुजरते हैं और वो भी उस औरत को वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अरे ये महेश की दुकान में कौन औरत बैठी है? पता नहीं यार, चल जरा चल कर पूछते हैं। दोनों दोस्त उस औरत के पास जाकर उससे पूछते हैं। अरे ये दुकान तो महेश की है, आप यहाँ कैसे, मतलब आप कौन हो? मेरा नाम माया है और मैं महेश की पत्नी हूँ। उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे दुकान खोलनी पड़ी। अच्छा, पर क्या आपको पान बनाना आता भी है? आप एक बार मेरे हाथ का पान खाकर तो देखो, फिर बताना। ऐसी बात है तो जरा बनाओ हम दोनों के लिए 2 पान। जी बस अभी देती हूँ। माया दोनों दोस्तों के लिए पान बनाने लगती है, पर उसमें कत्थे की जगह वो खून डालती है। उसके बाद वो एक एक पान दोनों दोस्तों को दे देती है। दोनों दोस्त जैसे ही पान खाते हैं तो माया से बोलते हैं, अरे वाह क्या पान है, ऐसा पान तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया। महेश का पान तो इसके आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कहा दोस्त। उसके बाद पूरे दिन लोग माया के हाथ के बने पान खाने आते हैं। दिन भर ऐसे ही चलता रहता है, पर फिर रात हो जाती है और माया का दुकान बंद करने का वक्त हो जाता है। माया इधर उधर देखती है, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। बस तभी माया अचानक एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अब मुझे कल के लिए एक नया शिकार ढूंढना होगा, पर आज किसको मारूं? यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं दिख रहा, आगे जाकर ढूंढती हूँ। चुड़ैल यहाँ वहाँ घूमने लगती है, फिर उसे किसी के पास से गुजरने का एहसास होता है। तभी वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। जैसे ही कोई आदमी पास से गुजरता है वो चुड़ैल उसे पीछे से पकड़ लेती है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, कौन है? मैं हूँ तेरी मौत। कौन है, सामने आओ सामने आओ। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़कर सामने आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो मुझे। ऐसे कैसे जाने दूँ, आज तो इतनी मुश्किल से मुझे अपना शिकार मिला है। बहुत इंतजार करना पड़ा मुझे। शिकार, कौन शिकार? अरे ओ पागल आदमी, तेरी गर्दन पकड़ कर खड़ी हूँ तो तू ही हुआ ना मेरा शिकार, आज तो मैं तुझे ही मारूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैं तुझे मारकर तेरा सारा खून निकाल कर उसे शैतान को चढ़ाऊंगी, फिर उस खून को 100 लोगों को पिलाऊंगी। ऐसा अगर मैं पूर्णिमा की रात तक करूंगी तो मेरी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाएगी कि मेरा फिर कोई भी सामना नहीं कर सकता। ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मेरा एक परिवार भी है। वो आदमी रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है, पर चुड़ैल को उस पर कोई दया नहीं आती। वो उस आदमी को मारकर उसका सारा खून निकाल लेती है। उसके बाद चुड़ैल वापस माया के रूप में खुद को बदल लेती है और अगले दिन पान की दुकान खोल लेती है। आओ आओ पान खाकर जाओ, ऐसा पान आपने कभी नहीं खाया होगा, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे।
एक आदमी माया की आवाज सुनकर दुकान के सामने रुक जाता है। अच्छा जी, ऐसा क्या है इस पान में जो इतनी तारीफ कर रही हो? इसमें मैंने क्या मिलाया है वो तो मैं नहीं बता सकती, पर जो भी इस पान में है वो किसी और के पान में हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, ऐसी बात है तो जरा खिलाओ एक पान। माया एक पान बनाती है और फिर उसमें जादू किया हुआ खून मिलाकर उस आदमी को दे देती है। वो आदमी जैसे ही उस पान को मुंह में रखता है, अरे वाह क्या पान है, ऐसा पान तो सच में मैंने कभी नहीं खाया, कुछ अलग सा है, पर इसे खाकर एक अलग सा नशा हो रहा है। आगे आगे देखो और क्या होता है। क्या? कुछ नहीं, आप पान खाओ। वो आदमी पान खाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बहुत से लोग वहाँ पान खाने आते हैं। वो चुड़ैल रोज एक आदमी को मारकर उसका खून निकाल लेती और फिर पान में मिलाकर 100 लोगों को खिला देती। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और एक रात जब चुड़ैल अपने असली रूप में होती है। कल पूर्णिमा की रात है, अब बस मुझे एक और आदमी का शिकार करना है, फिर मैं उसका खून निकाल कर 100 लोगों को पान में मिलाकर उन्हें दे दूंगी। उसके बाद मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। सबसे शक्तिशाली चुड़ैल। सब मेरे वश में होंगे, मैं जो चाहे वो करूंगी। चुड़ैल रोज की तरह एक आदमी की तलाश में निकल जाती है। वो इधर उधर छुप छुप कर किसी आदमी के आने का इंतजार करने लगती है और बहुत देर इंतजार करने के बाद उसे एक आदमी आता हुआ दिखता है। मिल गया मुझे अपना शिकार। चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, पर तभी वहाँ महेश एक पंडित और कुछ लोगों को लेकर आ जाता है। मारो इस चुड़ैल को, पकड़ लो इसे। ये क्या, ये महेश यहाँ कैसे आ गया, ये तो मर गया था। मैं मरा नहीं था, इतने दिनों से उसे होश था, जैसे ही मुझे होश आया मैंने सब पंडित जी और बाकी लोगों को बता दिया, अब तू बच नहीं पाएगी। हाँ, लोग आग लेकर चुड़ैल के पास बढ़ने लगते हैं। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। जब तक वो लोग उस चुड़ैल को पकड़ते, वो चुड़ैल उस आदमी को वहीं छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, अब क्या करें भैया, ये चुड़ैल तो गायब हो गई। हमें इस चुड़ैल को जल्दी से ढूंढना होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। हाँ, आखिर ऐसा क्या हो जाएगा ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और अभी बस हमें उसे ढूंढना होगा। हाँ, सब लोग उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। वो चुड़ैल कहीं पान की दुकान पर तो नहीं गई, हमें वहीं जाना चाहिए। सब लोग मिलकर फिर उस पान की दुकान पर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल वहीं दुकान के पास होती है और डर कर अंदर जाने ही लगती है। रुक जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, चल जाओ यहाँ से, वरना मैं सबको मार डालूंगी। देखता हूँ कि कौन किसे मारेगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग सब पीछे हट जाओ, इसे तो मैं देखता हूँ। पंडित अपने झोले से एक डंडी निकालता है और उस पर मंत्र पढ़ने लगता है। उसके बाद वो उस डंडी से दुकान और चुड़ैल के चारों तरफ घेरा बना देता है। अब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, अब तुम्हें मरना ही होगा। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना है। वो तो अब नामुमकिन है। ये तू अच्छा नहीं कर रहा पंडित, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पंडित उसकी एक नहीं सुनता और मंत्रों के साथ उस चुड़ैल पर भी गंगा जल छिड़क देता है। चुड़ैल के ऊपर गंगा जल पड़ते ही वो कुछ वक्त के लिए अपनी शक्ति खो देती है और जमीन पर गिर पड़ती है। जल्दी से कुछ लोग जाओ और इसे इस दुकान के अंदर ही बंद कर दो, इस वक्त ये कमजोर है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी जब तक मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। महेश और कुछ लोग जल्दी से गोले के अंदर जाकर उस चुड़ैल को उठाकर दुकान में बंद कर देते हैं और बाहर से ताला लगा देते हैं। उसके बाद पंडित जी एक लाल कपड़े में भभूत को रखकर उसे मंत्रों के साथ पढ़ते हैं, फिर उस कपड़े को ताले पर बांध देते हैं, जिससे वो चुड़ैल हमेशा के लिए उस दुकान में बंद हो जाती है। उस दिन के बाद कोई भी उस दुकान के आसपास नहीं भटकता, क्योंकि अगर गलती से भी कोई वहाँ से गुजरता है तो उसे दुकान के अंदर से चुड़ैल की आवाज आती है। किसी को मेरे हाथ का पान खाना है क्या?